गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम हिंदी में चैप्टर नंबर 16 के एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? आज हम हिंदी में चैप्टर नंबर 16 की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ओके, तो बच्चों सबसे पहले हम करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। क्या है? मौखिक प्रश्न, ओरल क्वेश्चन। इसका मतलब क्या है? आपको इन प्रश्नों के उत्तर ओरल में देने हैं, आपको इन्हें लिखना नहीं है। इन प्रश्नों का मतलब क्या है कि आप क्वेश्चन पढ़िए और इनका आंसर आप ओरल में दीजिए, आपको इन्हें लिखने की कोई भी नीड नहीं है। ठीक, तो पढ़े क्वेश्चन को। चलिए तो देखो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब मनोहर विद्यालय से घर आया तो वह कैसा लग रहा था। क्वेश्चन क्या है कि जब मनोहर विद्यालय से घर आया तो वह कैसा लग रहा था। तो इस क्वेश्चन को आप अपने ऊपर रख के देखिए, जब आप स्कूल जाते हैं और जब स्कूल से घर आते हैं तो आप कैसे लगते हैं बताइए? आपकी ड्रेस बिल्कुल गंदी हो रखी होती है ना, तो इसका आंसर क्या होगा? जब मनोहर विद्यालय से घर आया तो वह गंदा और थका हुआ लग रहा था। जब मनोहर विद्यालय से घर आया तो वह गंदा और थका हुआ लग रहा था। क्वेश्चन क्या है कि जब मनोहर विद्यालय से घर आया तो वह कैसे लग रहा था। इसका आंसर क्या होगा? जब मनोहर विद्यालय से घर आया तो वह थका हुआ और गंदा लग रहा था। ठीक, समझ आ गया आपको इसका आंसर? आगे बढ़े, सेकंड क्वेश्चन को पढ़े। चलिए देखिए क्या है, मनोहर की माँ ने शहर की कौन सी विशेषताएं बताईं। मनोहर की माँ ने शहर की कौन सी विशेषताएं बताईं। मनोहर की माँ ने शहर की कौन सी विशेषताएं बताईं, बताइए इसका आंसर क्या होगा? आप लोगों ने चैप्टर रीड किया है ना मेरे साथ, तो बोलो। मनोहर की माँ ने बताया कि देखो इस शहर में कितने बड़े बड़े मकान हैं, है ना, और लंबी चौड़ी सड़कें हैं, खूब बस हैं और ट्रक हैं, साइकिल हैं, कार हैं, है ना, और बड़े बड़े कारखाने हैं। तो मनोहर की माँ ने क्या बताया? मनोहर की माँ ने शहर की विशेषता में बताया, या फिर आप लोग बोल सकते हो कि मनोहर की माँ ने बताया कि देखो इस शहर में बड़े बड़े मकान हैं, बड़ी और लंबी चौड़ी सड़कें हैं, खूब बसें हैं, है ना, और बड़े बड़े कारखाने हैं, नदियाँ हैं। ओके, समझ आ गया इसका आंसर? थर्ड देखिए, मनोहर शहर की किन किन बातों से परेशान था। मनोहर शहर की किन किन बातों से परेशान था। देखिए मनोहर शहर की कौन कौन सी बातों से परेशान था। मनोहर इसलिए परेशान था ना क्योंकि उसके शहर में बहुत प्रदूषण हो रखा था, है ना। तो वो बताता है अपनी माँ को कि क्या बोलता है, इसका आंसर क्या होगा? मनोहर शहर की किन किन बातों से परेशान था। मनोहर परेशान था कि उसके शहर में जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं, है ना, और बरसात होने पर गंदा पानी सड़कों पर फैल जाता है और कारखानों से काला धुआं निकलता है, वाहनों से भी काला काला धुआं निकलता है, जिससे उसका शहर दूषित हो जाता है, गंदा हो जाता है। ठीक, तो ये भी हो गया आपका, तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। आगे बढ़े, सेकंड क्वेश्चन को पढ़े। चलिए देखिए बच्चों, सेकंड क्वेश्चन क्या है, बहुवैकल्पिक प्रश्न, एमसीक्यू क्वेश्चन। बहुवैकल्पिक प्रश्न, एमसीक्यू क्वेश्चन। तो आपको इन प्रश्नों में क्या करना है, आपके पास एक क्वेश्चन के 3 ऑप्शन हैं, उसमें से आपको एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ओके, चलिए पढ़ते हैं। क, मनोहर जब सवेरे घर से विद्यालय जा रहा था तो बहुत ब्लैंक दिखाई दे रहा था।
कैसा दिखाई दे रहा था जब मनोहर सुबह घर से स्कूल जा रहा था, विद्यालय जा रहा था, तो वो कैसा दिखाई दे रहा था? देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि मनोहर जब सुबह सुबह अपने घर से स्कूल जा रहा था, आप लोग अपने ऊपर लगाकर देखिए, जब आप लोग सुबह स्कूल आते हैं, घर से स्कूल आते हैं, तो आप कैसे दिखाई दे रहे होते हैं? तरोताज़ा, गंदा या परेशान, बताइए कैसे दिखाई देते हैं? एकदम फ्रेश फ्रेश ना? हाँ, तो इसका मतलब होगा, इसका आंसर क्या है? तरोताज़ा। मनोहर जब सवेरे घर से विद्यालय जा रहा था तो वो बहुत तरोताज़ा दिखाई दे रहा था। ठीक, सेकंड देखिए, इनमें से किससे सबसे कम प्रदूषण होता है? इनमें से किससे सबसे कम प्रदूषण होता है? इसका आंसर क्या होगा बोलो? किस में से सबसे कम प्रदूषण होता है? डीजल, पेट्रोल या सीएनजी? ये गैस है। ठीक, बोलो किस में कम प्रदूषण होता है? डीजल, पेट्रोल या सीएनजी? इसका आंसर है सीएनजी गैस। सीएनजी गैस से कम प्रदूषण होता है। ओके, नेक्स्ट। मनोहर शहर छोड़कर कहाँ जाना चाहता था? मनोहर शहर छोड़कर कहाँ जाना चाहता था, बताइए इसका आंसर क्या होगा? दादी जी के गांव, विदेश या महानगर? मनोहर शहर छोड़कर कहाँ जाना चाहता था? दादी जी के गांव, विदेश या महानगर? मनोहर शहर छोड़कर दादी जी के गांव जाना चाहता था, क्योंकि उसको लगता था कि वहां पर कम प्रदूषण है शहर से। ठीक, नेक्स्ट। वाहनों में किस ईंधन का प्रयोग किया जाना चाहिए? जो हमारे वाहन हैं, वाहन या जैसे साइकिल, वो कार, बस, ट्रक, मोटरसाइकिल, तो इन सब में किस ईंधन का प्रयोग करना चाहिए? डीजल, सीएनजी या पेट्रोल, बोलो। अभी मैंने आपको बताया ना कम प्रदूषण किससे होता है? सीएनजी से। तो इसलिए हमें किसका प्रयोग किया जाना चाहिए? हमें किसका प्रयोग करना चाहिए? सीएनजी गैस का। ओके, तो यहीं पर हमारा ये सेकंड क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब तो बच्चों, ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन, लिखित प्रश्न। आपका ये थर्ड क्वेश्चन है लिखित प्रश्न। इसका मतलब क्या है कि आपको इन प्रश्नों के उत्तर लिखकर देने हैं। ठीक, तो आज मैं आपको फिर से एक बार इन प्रश्नों के आंसरों की डिक्टेशन बोलने वाली हूँ। तो जल्दी से आप लोग अपनी अपनी नोटबुक निकाल लीजिए, फटाफट जाइए, निकाल ली। तो अब आप लोग ऊपर आज की डेट डालिए, चैप्टर का नाम लिखिए, चैप्टर नंबर लिखिए और क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखिए एंड लिखित प्रश्न की हेडिंग डालिए। मुझे काम बिल्कुल ऐसे ही चाहिए जैसे मैं आपको बता रही हूँ। ठीक, और सुंदर सुंदर राइटिंग में आप लोग काम करिएगा। ओके, तो सबसे पहले आप जल्दी से अपना फर्स्ट क्वेश्चन नोट कर लीजिए। का क्या है? मनोहर ने अपने गांव का वातावरण कैसा बताया? ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। फिर से बोल देती हूँ मैं एक बार, मनोहर ने अपने गांव का वातावरण कैसा बताया, बताइए इसका आंसर क्या होगा? मनोहर ने अपने गांव का वातावरण कैसा बताया? लिख लिया आप लोगों ने यह प्रश्न अच्छे से? नीचे लिखिए उत्तर। अब मैं आपको बोलूंगी, आपको उसे सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना पड़ेगा। ठीक, देखिए मनोहर ने, इसका आंसर बोल रही हूँ मैं, लिखो, मनोहर ने अपने गांव का वातावरण शहर से शुद्ध बताया। मनोहर ने अपने गांव का वातावरण शहर से शुद्ध बताया। एक बार क्वेश्चन और आंसर दोनों बोलती हूँ मैं, मनोहर ने अपने गांव का वातावरण कैसा बताया? इसका आंसर है, मनोहर ने
अपने गांव का वातावरण शहर से शुद्ध बताया। ठीक, सबका ये कंप्लीट हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़े। चलिए अब पढ़ते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। आप लोग हेडिंग डाल दीजिए खा और लिखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है। प्रदूषण के लिए कौन जिम्मेदार है? प्रदूषण के लिए कौन जिम्मेदार है? तो पहले आप इस क्वेश्चन को समझिएगा, मैं बता रही हूँ। देखिए, प्रदूषण के लिए कौन जिम्मेदार है? आप लोग बताइए, प्रदूषण के लिए हम जिम्मेदार हैं ना, यानी मनुष्य जिम्मेदार हैं। अगर हम लोग कूड़ा कचरा पेटी में फेंकेंगे, ठीक है, अपने वाहनों में सीएनजी गैस भरवाएंगे, सीएनजी गैस से चलाएंगे और गंदा पानी नहीं करेंगे, ठीक है, साफ सुथरा रखेंगे अपने घर को, अपने शहर को, तो हमारा शहर भी प्रदूषण रहित हो जाएगा, यानी प्रदूषण से क्या होगा, प्रदूषण की छुट्टी कर देगा, यानी हमारा शहर में कोई भी प्रदूषण नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो प्रदूषण के लिए कौन जिम्मेदार है बताइए? प्रदूषण के लिए हम जिम्मेदार हैं ना, तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा, लिखो उत्तर, प्रदूषण के लिए मनुष्य जिम्मेदार हैं। इसका उत्तर लिखिए, प्रदूषण के लिए मनुष्य जिम्मेदार हैं। सबने लिख लिया? अब एक बार क्वेश्चन आंसर दोनों बोलती हूँ मैं। प्रदूषण के लिए कौन जिम्मेदार है? प्रदूषण के लिए मनुष्य जिम्मेदार है, ठीक। चलिए एंड लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या करने से वर्षा पर्याप्त मात्रा में होगी? क्या करने से वर्षा पर्याप्त मात्रा में होगी? लिखिए, हेडिंग डालिए ग और पूरा क्वेश्चन नोट कर लीजिए। क्या करने से वर्षा पर्याप्त मात्रा में होगी? लिख लिया? उत्तर की हेडिंग लिखिए। देखिए, क्या करने से वर्षा पर्याप्त मात्रा में होगी? देखिए, अगर हम पौधे लगाएंगे तो क्या होगा, पौधे लगाने से वर्षा बिल्कुल अपने सही टाइम पे होगी और ज़्यादा होगी। पौधों से क्या होता है, वर्षा जल्दी होती है, तो हमें बहुत सारे पौधे लगाने चाहिए, ठीक है। तो पौधे लगाने से क्या होगा, एक तो वर्षा जल्दी होगी और हमारा शहर और हमारा जो वातावरण है वो भी शुद्ध हो जाएगा। तो इसका आंसर लिखेंगे आप लोग, पौधे लगाने से वर्षा पर्याप्त मात्रा में होगी। लिखिए, पौधे लगाने से वर्षा पर्याप्त मात्रा में होगी। पौधे लगाने से वर्षा पर्याप्त मात्रा में होगी। चलिए कंप्लीट हो गया थर्ड क्वेश्चन, आगे बढ़े और फोर्थ क्वेश्चन को पढ़ेंगे अब हम। चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं अपना क्वेश्चन नंबर फोर। देखिए क्या है, सोचकर बताइए। आपको क्या करना है, इस प्रश्न को पढ़ना है और फिर सोचना है और इसका आंसर बताना है। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। किसी देश की सबसे छोटी इकाई किसे माना जाता है? किसी देश की सबसे छोटी इकाई किसे माना जाता है, यह है आपका प्रश्न। तो देखो, हमारे देश की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? देखिए, हमारे देश की सबसे छोटी इकाई होगी मोहल्ला। जैसे देखिए, हमारा जहाँ आप लोग रहते हैं, जैसे आप लोग हनुमानगंज में रहते होंगे, कोई घंटाघर नीम चौराहे में रहते होंगे, कोई कृष्णापाड़ा में रहते होंगे, हमारा स्कूल मोहल्ला दुली में है ना, तो ये सब क्या है, ये मोहल्ले ही तो हैं। तो मोहल्लों, वह एक शहर में बहुत सारे मोहल्ले होते हैं, है ना, तो मोहल्लों को मिलाकर क्या बनता है, शहर, ठीक है। और शहरों, अब एक राज्य में बहुत सारे शहर होते हैं, तो उन शहरों को मिलाकर क्या बनता है, राज्य।
अब हमारे देश में भी बहुत सारे राज्य हैं, है ना, तो उन राज्यों को मिलाकर क्या बना हमारा देश। तो देखिए ये कुछ असेंडिंग ऑर्डर से होता है। देखिए असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले क्या आता है, सबसे छोटा, तो सबसे छोटा क्या है हमारा मोहल्ला, फिर शहर, फिर राज्य, फिर देश। तो यानी कि किसी देश की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, मोहल्ला। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, किसी देश की सबसे छोटी इकाई मोहल्ला माना जाता है, किसी देश की सबसे छोटी इकाई मोहल्ला माना जाता है, किसी की जगह क्या आ जाएगा मोहल्ला। ठीक है, समझ आ गया आपको। तो ये फोर्थ क्वेश्चन भी हो गया हमारा कंप्लीट। तो आज मैंने आपको चैप्टर नंबर 16 प्रदूषण के एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 फोर क्वेश्चंस कराए। तो उसमें से आपको अपनी नोटबुक पे क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 आपको अपनी होमवर्क नोटबुक पर करना है। ओके, अब मैं आपको मिलूंगी अपनी अगली वीडियो।